हाँ जी, है तो मैंने पूछ सकते हैं। अरे बच्चों के लिए कहा मुरली में कि ऐसे समझाना चाहिए जो कोई को प्रश्न करने का मौका ही न दे। बाबा तो कहते हैं अंदर कुछ कचरा है तो निकालो, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है। पूछें या नहीं पूछें, बाबा से नहीं पूछेंगे तो कहाँ जवाब मिलेगा। हाँ जी, बाबा ने कहा एक के अलावा साइको अनिश्चय आ जाएगा। हैं? एक के अलावा सब तो अनिश्चय में आ जाएगा। एक के अलावा सबका अनिश्चय हो जाएगा। माला कैसे बनेगी? पहला नंबर कैसे डिक्लेयर होगा? और डिक्लेयर भी हो जाए 76 में तो मानेगा कौन? कोई मानने के लिए तैयार है? 8 नंबर कोई मानेगा? 108 नंबर कोई मानेगा? नहीं मानेगा, कहेंगे हम क्यों नहीं। तो माया राह नाक रगड़ने के लिए तैयार बैठी है। जब नाक रगड़ जाएगी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हैं? तब तो मानेंगे। इसीलिए ड्रामा में राज अनुधा हुआ है। हाँ जी, वहाँ पर पहले देवियों का पूजा होता है, पहले देवियों का पूजा होता है, लक्ष्मी का पूजा होता है। न्याय ही लक्ष्मी बनता है तो मामा का बात है, मामा नमस्कार है तो मुझसे बनता है। मैं लक्ष्मी बनता हूँ, क्या मैं ही लक्ष्मी बनता हूँ? हाँ, मैं जो कहने वाली है वो मम्मा की बात हो रही है। तुमने सुना नहीं ध्यान से। मम्मा समझाएगी, क्या समझाएगी वो बताया। मैं मम्मा जब समझाने बैठेगी तो मैं नहीं बोलेगा, तू बोलेगी क्या? तो मैं भी चलाया था तो क्या हुआ? जो काम करेगा सो बोलेगा। बाबा, हाँ, जो अनिश्चय में आ जाते हैं, हाँ जी, उसको फिर दोबारा भटकी करनी पड़ेगी। वो तो राज है, नियम है। जो मर गए, अनिश्चय बुद्धि माना, मर गया, मर गया तो दोबारा जन्म लेगा या नहीं लेगा? है? हाँ, दोबारा जन्म लेना है तो बाप के घर में जाकर के गर्भ में पकना है। गर्भ में जब पकते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। खाना पीना श्वास लेना सब कहाँ होता है? अंदर ही अंदर चलता है। तो वो है 9 महीने की भट्ठी और ये है 9 दिन का हिसाब। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। बाबा, बड़ी बड़ी माताओं के लिए बाबा ने स्पेशल गिफ्ट देते हैं। स्पेशल गिफ्ट कुछ मिलता है बड़ी बड़ी माताओं के लिए। हाँ, कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलता है। ऐसा किसी बड़ी बड़ी माताओं के लिए स्पेशल गिफ्ट मिलता है, स्पेशल गिफ्ट मिलता है। हाँ ठीक है। तो बड़े बड़े भाइयों के लिए क्या मिलता है? भाइयों में सब भाइयों के लिए क्या बोल दिया, चाहे बूढ़े हो चाहे नौजवान हो। और माताओं में सब माताओं के लिए क्या बोल दिया? माताएं या तो कन्याकुमारी हैं या तो अधर कुमारी है। कुमारी जरूर है, जीवन पवित्र जरूर है ज्ञान में आने के बाद। और भाइयों के लिए क्या बोला? सब भाई, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। बाबा हाँ तो बाबा दो महीना मधुमत में आ नहीं सकता है कोई कारण में, 2 महीना मधुमत में नहीं आया तो मर गया बाबा कहते। बाबा तो यही कहते हैं जो बच्चे बाप के पास कोई भी समाचार भी नहीं भेजते, 2 महीने आते भी नहीं, मिलते भी नहीं, चिट्ठी भी नहीं आती, तो बाप क्या समझते हैं मर गया। बच्चा मर गया, मर गया तो जिंदा नहीं होने देना है, जरूर देना। तो वो तो आता नहीं पा रहा, लेकिन चिट्ठी तो बाबा के पास भेजते हैं, उसका हालत क्या होगा? वो तो नहीं मरा है, मैंने एक एक चिट्ठी 2-2 महीने के बाद भेजते रहे। ऐसे चाहते हो? नहीं, महीना में है, महीना में एक चिट्ठी भेजते हैं। अब बुलाएं तो चिट्ठी भेजेंगे तो बुला सकते हैं कि नहीं? बुला भी सकते हैं, तो फिर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? फिर और कचरा वाली पॉइंट क्या पॉइंट है? कचड़े वाली कौन सा कचरा बुद्धि में बैठ गया? यहाँ कचरा नहीं निकालेंगे तो वहाँ कचरा साफ करना पड़ेगा। अरे यहाँ यज्ञ में रहना है, यज्ञ में खाना है, यज्ञ में सारी परवरिश लेनी है, और यज्ञ में बैठ करके कचरा करना है, चाहे संकल्पों का हो, चाहे कर्मेंद्रियों का हो, तो क्या पद पावेंगे? आफरीन माने कुछ न कुछ देना, आफर करना, आओ ले जाओ। हाँ जी, महावाक्य जिस जिसको भक्ति का संस्कार रहेगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, को संस्कार था कौन सा क्या सूत्र के बाबा ये भक्ति संस्कार में आता है? भक्ति का संस्कार है कि परमात्मा शिव का ज्ञान सुनना तो है, लेकिन मनन चिंतन मंथन नहीं करना है। ब्राह्मणों का काम क्या है? मनन चिंतन मंथन करना और दूसरों को सुनाना। भक्ति मार्ग में जाना जाते हैं, नाचते हैं, ये तो ज्ञान में नहीं हुआ है। क्या होता है? गाना गाना, नाचना, ये जो भक्ति मार्ग जो करते हैं जो लौकिक दुनिया में, हाँ वो भी भक्ति मार्ग है। तो अपने से भक्ति मार्ग कौन सा क्या छोड़ना है भाई? यही तो छोड़ना है जो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ तो भक्ति मार्ग को कट कर दिया पूरा, भक्ति मार्ग का कोई कर्म नहीं करना, कोई बात भी नहीं करना। वो कल की वाणी में सुना दिया गया, बार बार पूछने से टाइम वेस्ट करना है। अरे अर्थ तो बता दिया। ओ शामत आ गई तेरी। शामत जानते हैं? शामत माने मौत आ गई, कयामत आ गई। ओ शामा ला दे ना, नहीं तो मारता हूँ। अभी दुनिया का बड़े से बड़ा डकैत का नाम क्या रखा गया? क्या दिया? ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी। ये बड़े से बड़ा आतंकवादी है जो अभी देवभान छोड़ चुका है। देवभान होना माना जिंदा रहना, देवभान छोड़ देना माना मर गया। तो कौन? अरे अभी बात पूरी हो गई, समझ में आ गया कौन है? सामने बोलेगा डर गया। तो बताओ वो कौन है जो कहता है तेरे पास जो भी है सो ला करके रख दे, सबसे बड़ा मांगने वाला है और मांगने से भी नहीं देंगे तो शामत आ गई। उसके बच्चे भी मांगने वाले हैं। नहीं समझ में आया है? कुछ ऐसा हादसा हुआ है छोटा सा, वो हादसा होने के बाद उस ओसामा बिन लादेन को जवाब देते नहीं आया। भारत में दिल्ली विख्यात है स्थापना के लिए, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। बंबई का बंबई नाम क्यों पड़ा? हर हर बम बम की नगरी है, बड़े बड़े पैसे वालों की नगरी है। वो हद का धन नहीं, ज्ञान धन वालों की नगरी है। प्रश्न उठाए हैं जिनका जवाब ओसामा बिन लादेन और उनके फॉलोअर्स के पास नहीं है। उन्होंने पहला ही प्रश्न रख दिया बोर्ड में, बैनर में, अगर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? ब्रह्मा कुमारी यहाँ बताएं, नहीं तो हम बताएंगे, मना एडवांस पार्टी। ऐसे ऐसे 8 प्रश्न हैं। 31 मार्च को इस सीजन का आखिरी दिन था। अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि ये इस सीजन का आखिरी दिन है, अब नहीं आऊंगा। फिर 13 तारीख को जब ये भगदड़ होने लगी बंबई में जोर से, तो खलबली मच गई हेड ऑफिस में। जवाब दो, तो जवाब तो है ही नहीं। तो बाप दादा को आह्वान किया गया और बाप दादा अपनी वाणी तोड़ करके आ गए। सूर्यवंशियों का प्राण न जाए पर वचन न जाए, चंद्रवंशियों का ये विरुद्ध नहीं है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने अपना विरुद्ध तोड़ दिया। क्या विरुद्ध तोड़ा? कि 30 अप्रैल इस सीजन का आखिरी दिन है, अब नहीं आऊंगा इस सीजन में, अगले सीजन में आऊंगा। फिर क्या हुआ? 13 तारीख को है आ गए। आ तो गए, लेकिन जैसे पहले भी आ करके बहला के चले जाते थे, सीधा सीधा कभी नहीं बताया। इस साकार में शिव बाबा का नया पाठ चल रहा है या नहीं चल रहा है? ऐसे ही उन 8 प्रश्नों का जवाब दिए बगैर ही चले गए। तो देहबान टूट गया या रह गया कि मैं गीता का भगवान हूं साकार। तो सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित, रचयिता और रचना से संबंधित हर प्रश्न का जवाब गीता के भगवान साकार के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन 8 प्रश्नों में से कोई प्रश्न का जवाब नहीं। तो देह अहंकार टूट गया या रह गया है? टूट गया। ओ सामा बिन लादेन देहभान से क्या हो गया? मर गया। ये तो छोटा सा हादसा हुआ था, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। अभी तो बड़े बड़े बम फूटने हैं ज्ञान के। तब क्या हाल होगा? तब ज्ञान बल से जवाब देंगे या बाहुबल पर उतर आएंगे? अच्छा, वो ज्ञान बल से जवाब देंगे वो लोग हैं, बाहुबल पर उतर आवेंगे, नोटों की गड्डियां फेंकने लग पड़ेंगे, सोना चांदी उछालने लग पड़ेंगे। अभी भी ताक में हैं कि तुम्हारे बाबा का जो हाल हुआ है, जो हाल किया था सन 98 में, ऐसे एक एक को धूल चटानी है। हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, हिम्मत नहीं होती है। कार्य में प्रैक्टिकल में लाने की, लेकिन जब मजबूर हो जाएंगे तो करके छोड़ेंगे। और बाबा ये जो अभी बताया बाबा आपने 30 अप्रैल को लास्ट वाणी आई थी, 13 तारीख कौन सा 13 तारीख होगा? कौन सा महीना? अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? 30 मार्च है। 5 तारीख होगा 13 के लिए? 5 नहीं, वो फिर मार्च, 31 मार्च के बाद 13 अप्रैल। हाँ जी, बिन लादेन तो बापदादा होगा ना? है, बिन लादेन किसके ऊपर लागू होगा? व्यवहार छोड़ दिया, एक आत्मा के ऊपर लागू होगा या 2 आत्मा के ऊपर लागू होगा? बाप का देहवान होता है जो टूट जाएगा। एक दादागिरी कौन दिखाता है? बाप दादागिरी दिखाता है क्या? और जरे से जाके पेड़ मिला दिया कि गिरे से हो जाए सपना। मतलब क्या है? चढ़े माने पुरुषार्थ में ऊंची स्टेज में चढ़े, तो अमृत रस चाखे। जब याद में ऊंची स्टेज बनती है तो ज्ञान बुद्धि में टपकने लग पड़ता है। ये ज्ञान ही अमृत है। मनन चिंतन मंथन खुल जाता है। इसलिए बोला चढ़े तो चाखे अमृत रस। और 5 विकारों में नीचे गिरे, बाप को छोड़ करके और किसी से प्यार किया तो क्या होगा? गिरे तो चकनाचूर, हड्डी हड्डी तोड़ डालूंगा। कोई काम के नहीं रहेंगे, सारा उमंग उत्साह मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो बंगाली में लिख दिया, पढ़ो। राम है, फिर बोले होली में कुछ नहीं बोले। आज होली में क्या अभी तुम्हें क्या हुआ? दापुर में आप बोले ना, अभी अभी बाबा बोले ना, दापुर में इब्राहिम है सबसे ऊँच, तो होली में ऊँच कौन है? ये सब नहीं बोले। कलयुग में गुरु नानक नहीं आए, भूल गए क्या? है अरे हिंदुओं में सबसे बड़े गुरु नानक आए कि नहीं आए? फिर क्या लिखा है ये? हाँ जी, एक होता है काला भी होता है, लाल भी होता है, पीत कमल भी होता है, नील कमल भी होता है। हाँ हाँ तो हाँ चार अवस्थाओं वाले दुनिया में हर चीज में हर बात में होते हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तमो का संग करेंगे तो क्या हाल होगा? खलास हो जाएंगे कि रह जाएंगे? और हाँ जी, चूड़ी पहनना और सिंदूर लगाना, ये भक्ति माना जाए क्या? चूड़ी पहनना और चूड़ी पहनाना और सिंदूर लगाना, कोई काम करें करने से पहले सोचें कि ये ज्ञान युक्त है या फालतू है, इससे कोई फायदा है या टाइम वेस्ट होना है, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो रहा है। चूड़ियां पहनेंगे तो बंधन है फालतू का या कोई फायदा है? बंधन है, फायदा तो कुछ नहीं है। फायदा सिर्फ इतना है कि लोक लाज से बच जावेंगे, नहीं तो बुद्धि में आता है लोग क्या कहेंगे, इसकी चूड़ियां नहीं है, ये तो विधवा हो गई। अरे लोक लाज की क्या चिंता जब भगवान मिल गया। भगवान कहते हैं नई दुनिया की लोक लाज बुद्धि में रखो, जो दुनिया भस्म होने वाली है उसकी लोक लाज रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो खुद भी भस्म हो जावेंगे। आने वाली नई दुनिया भगवान दिखा रहा है तो उसकी लोक लाज रखनी चाहिए या भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज रखनी चाहिए? आने वाली दुनिया की लोक लाज पहले रखनी है। बहू के हाथ से खाना नहीं खाते हैं तो बहुत लोग ग्लानि करते हैं। बहू के हाथ से खाना नहीं खाते हैं तो बहुत लोग ग्लानि करते, निंदा करते। बहू ज्ञान में चलती है तो क्यों नहीं खाना चाहिए बहू के हाथ का? बहू को भी ज्ञान में चलाओ। बहू को तो ज्ञान में चलाने नहीं चाहती बहुत सी माताएं, हमारा लड़का भूखों मर जाएगा, ना ना आत्मा का प्यार मिलेगा न देह का प्यार मिलेगा। हम अपन लड़के को भूख को कैसे मार डाला जाए। बहू को भट्टी कराओ, ज्ञान सुनाओ, बहू तो कंट्रोल में होती है ना सास के। फिर हैं गांव में आते हैं, गांव में है तो दो चार दिन गांव में चले जाओ, भगा देगी क्या। बातें बनाना बहुत आता है। और धर्म पिताएं पहले जन्म में आकर के धर्म स्थापन करते हैं, फिर जब उस धर्म का फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाती है तो कुछ साल के बाद धर्म पिताएं क्या उस धर्म में राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं। जो स्थापना करेगा वो पालना करेगा या नहीं करेगा, करेगा, परंतु उनमें धर्म स्थापन करने की ताकत है या राजाई करने की ताकत ज्यादा है। ऐसे ही बोल देता है। धर्म स्थापन करने वाले में अगर मनुष्यों में धर्म पिताओं में जो धर्म स्थापन करने वाले मनुष्य गुरु हैं उनमें अगर राजाई की शिफ्ट होती तो धर्म स्थापन करने के साथ साथ राजाई भी स्थापन कर देते। उनमें राजाई स्थापन करने की इतनी शिफ्ट नहीं है। कौन सी ताकत है, सिर्फ धर्म स्थापन करने की ताकत है। इसलिए वो पहले पहले राजाई नहीं कर सकते। पहले पहले राजाई स्थापन करने के लिए फिर भी कौन चाहिए है? परमात्मा द्वापर में कहां से आ जाएगा। ये तो द्वापर और कलयुग की बात हो रही है, धर्म पिताओं की। संगम युग पर राजयुग की क्या? हाँ, संगम युग में जिसने राज्य स्थापन किया है, राज्य स्थापना के निमित्त बना है, वो ही राजा ही स्थापन करता है हर धर्म की, पहले पहले जन्म में। बाद में फिर उनके फॉलोअर्स वो धर्म पिताएं बनते हैं। क्योंकि जैसे शुद्धोधन है, बिंदुसार है, सिद्धार्थ है, महात्मा बुद्ध किसमें आते हैं? सिद्धार्थ में आते हैं। तो राजाई करने की शिफ्ट सिद्धार्थ में है ज्यादा या ऊपर से आने वाली आत्मा में ज्यादा है? सिद्धार्थ में ज्यादा है। और सिद्धार्थ को भी जन्म देने वाला बाप, वो सिद्धार्थ से भी ज्यादा पावरफुल है राजाई करने में या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल बीज रूप आत्मा है। और सिद्धार्थ का बाप जो शुद्धोधन है, उस शुद्धोधन से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? जो धर्म पिताओं को आधार देते हैं अपने शरीर का, उनका वो बाबा है। कौन? शुद्धोधन का बाप। वो दुनिया का बड़े से बड़ा राजा बनता है। विश्व की बादशाही लेने वाला है, उससे बड़ा राजा दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो राजाई करने की उसमें शिफ्ट है। जब हिंसक राजाई दुनिया में शुरू होती है तो भी वो ही सबसे बड़ा कंट्रोलर बनता है। द्वापर युग में भारत में बड़े से बड़ा पहला राजा कौन हुआ? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विकारी दुनिया का विकारी राजा है या निर्विकारी है? है? निर्विकारी राजा नहीं हो सकता। राजाएं सब विकारी होते हैं, उन्हें की बुद्धि काम नहीं करती है। द्वापर कलयुग में तो क्या करते हैं? है? ब्राह्मणों को मंत्री महामंत्री बना के रखते हैं कि मंत्रणा देवें। उन ब्राह्मणों में पवित्रता की पावर होती है। तो विक्रमादित्य को भी चलाने वाला कोई था या विक्रमादित्य पहला स्वयं ही राजा था? उसको भी चलाने वाला था। तो जो भी धर्मपिताएं आते हैं उन धर्मपिताओं से भी पहले जिसमें प्रवेश करते हैं वो पहला राजा बनता है, नहीं राजा बनता है। और उससे भी पहले उसको जन्म देने वाला राजा बनता है, और उससे भी पहले जो धर्मपिताओं का आधार है उसका जो ग्रैंडफादर है, बाबा है, वो राजा बनता है। फिर चौथे नंबर में जाकर के ऊपर से आने वाले धर्मपिता का नंबर लगता है। तो ऐसे नहीं है कि धर्मपिताएं राजाई लेते नहीं हैं, लेते तो हैं, लेकिन उनको भी राजाई देने वाला कोई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। उनको भी राजाई देने वाले वही हैं जो परमपिता परमात्मा से खुद राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करते हैं। और बाबा रामायण में जो राम ने वनवास किया है तो उसी टाइम में सीता और लक्ष्मण दोनों थे। तो अभी ये जो संगम युग में जो शूटिंग हो रहा है तो राम के साथ लक्ष्मण का तो बुद्ध धर्म का गौतम बुद्ध धर्म का भी लक्ष्मण होता है ना, तो अभी ये शूटिंग में क्या कैसे दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मण भी राम के साथ है? लक्ष्मण वाली आत्मा किसका अवतार है? है? शंकर्षण भगवान कहा जाता है भक्ति मार्ग में। 7 फणों वाला, जिसके सर के ऊपर कौन टिकी हुई है? पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे बताते हैं। तो वो संकर्षण का पार्ट किसका है? बलराम का या लक्ष्मण का? राम वनवास में जंगल में मारे मारे फिरते हैं, कांटों के जंगल में। तो कौन सी आत्मा उनके साथ रहती है? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा रहती है? तो संकर्षण भगवान हो गया, जिसे भक्ति मार्ग में बताया गया है। और सीता कुछ समय तक साथ रहती है, फिर जब जंगल में जाते हैं तो भटक जाती है। तो कौन है सीता? है कौन है? जगदम्बा सीता हो गई, भटक गई या ठिकाने लगी हुई है? भटक गई, रावण ले गया। रावण ब्राह्मण ही था या बाहर की दुनिया वालों में से था? ब्राह्मण ही था। और शेष नाग जो है वो ही शेष सैया है। जब विष्णु का चोला दिखाया जाता है आराम करते हुए, तो विष्णु को रक्षा कौन करता है? शेष नाग ही रक्षा करता है। तो आराम से लेटे रहते हैं, उन्हें कुछ करना धरना नहीं है, सारा काम कौन करता है? वो शेषनाग ही सारा काम करता है। शेषनाग कहो हनुमान कहो, बात बात एक ही है। अच्छा अच्छा, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, कोई नहीं बचता, सब बह जाते हैं। सबकी आंखों में धूल भरा पानी भर जाता है। बाढ़ आती है तो क्या होता है? पानी कैसा हो जाता है? धूल से भरपूर हो जाता है। कौन सी धूल? देवान की धूल पड़ जाती है, सब सांप अंधे हो जाते हैं। पांच विकार क्या हैं? सांप हैं। सब मर जाते हैं, अज्ञान में अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तब कौन बचता है? अनेक बचते हैं या एक बचता है? जलमयी में एक बचता है। हिमगिरी कहा जाता है हिमालय को। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बचेंगी या डूब जावेंगी? हैं? बचेंगी। वो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर माने चोटी पर कोई शिला की शीतल छाह पर बैठ जाता है। और दुनिया में जो जलमयी बाढ़ का पानी दौड़ता है, उसे देखता है। सब मर गए, कोई संगी साथी साकार में नहीं बचा। तो रोएगी आत्मा या खुश होगा? इसलिए बोला है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से, माने रो रहा है या हंस रहा है, रोता है। देख रहा था प्रबल प्रवाह, तेजी से जो पानी बह रहा था, चारों ओर दुनिया में बाढ़ आई थी। तो रो रो करके देख रहा था, तो कौन हुआ है? एक ही आत्मा हुई जो अंत तक निश्चय बुद्धि रहती है। देह अभिमान का जल उसकी आंखों में नहीं घुस पाता। उसका ये गायन जयशंकर प्रसाद ने कर दिया है कविता में। वो जयशंकर प्रसाद आज की कलयुगी दुनिया के अंतिम समय में पहले पहले कविता करने वाले कवि हैं। सात्विक स्टेज में उन्होंने ये कविता लिखी। तो सृष्टि के आदि की बात उनकी बुद्धि में आ गई। सच्ची बात आ गई या झूठी बात आ गई? सच्ची बात आ गई। बेहद की बात है या हद की बात है? पहले बेहद की बात है। और आवाज है तुम्हारा छोटा और हमारा बहुत बड़ा और है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिनके पास छोटा घर है, कहते हैं बाबा हम मिनी मधुबन नहीं बना के दे सकते हैं, हमारा घर एक कमरे का है या मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा है, हमारी भी दिल है कि हम अपने घर में बैठ करके ईश्वरीय सेवा करें। तो बाबा उनको आथत देते हैं कि तुम्हारा घर बाबा के लिए बड़ा घर है। उस छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल के बैठ जाओ, उसी में खाना बनाओ, उसी में रात को सो जाओ, सवेरे उठ करके उसी में झाड़ू पोछा लगा करके क्लास लगा दो। अगर 5 पांडव भी ताकतवर आत्माएं निकल आई तो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो तुम्हारा घर बाबा के लिए बड़ा घर है या छोटा घर है? बहुत बड़ा मिनी मधुबन मिल गया। और उस बड़े घर में माया रावण के पंजे में आने वाले डकैत घुस करके बैठ गए और गंदे गंदे काम करने लग पड़े। तो मिनी मधुबन का वातावरण अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा? है एकदम थर्ड क्लास वातावरण बन पड़ेगा। हो सकता है वो मिनी मधुबन जहाँ स्थापन हुआ है वो ऐसा वातावरण का फाउंडेशन डाल दे जिससे वो पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा शहर वैश्याओं की नगरी बन जाए। दुनिया में कोई वैश्याओं की नगरी प्रसिद्ध है या नहीं है? हैं? कौन सा? कलकत्ता। तो वो गीता पाठशाला ज्यादा अच्छी, भगवान के लिए बड़ा घर है या बड़ा मधुबन बड़ा घर है? कौन सा बड़ा घर है भगवान के लिए? है गीता पाठशाला अच्छा घर है, जहाँ लक्ष्मी नारायण बन करके बैठते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं स्त्री पुरुष होने के बावजूद भी। पति पत्नी होने के बावजूद भी, और आने वाले जिज्ञासुओं को अच्छा वातावरण देने के निमित्त बन पाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 4 बार। अरे सत्यु की शूटिंग हुई कि नहीं हुई? सत्यु की शूटिंग हुई, टाइम निश्चित है क्या? टाइम निश्चित है? चालीस साल में सन 76 तक कौन से युग की शूटिंग हुई? सत्युगी देवतावरण की शूटिंग हुई। मुख्य आत्मा कौन है? जो सर्प के रूप में मानी जाती है, है? अरे शेषनाग, वो राम वाली आत्मा में तो है ही है सब कुछ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो एक बार जब सन 76 में लक्ष्मी नारायण का पार्ट डिक्लेयर होता है, तो पहली बार सर्प का देह अभिमान टूटता है। थोड़ा टूटता है कि पूरा टूटता है? थोड़ा, पूरा टूट जाता है, थोड़ा टूटता है। फिर त्रेता की शूटिंग 12 साल में नुदी हुई है। कितना धक्का लगता है कि वो आत्मा 1 साल आती ही नहीं है अव्यक्त वाणी चलाने के लिए। कौन सा सन है? है 88, 87। फिर कौन सी युग की शूटिंग होती है? त्रेता के बाद द्वापर युग की शूटिंग होती है, है? वही कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण बच्चे के रूप में पहला जन्म लेती है। द्विजन्मा जन्म लेती है या पहला जन्म लेती है? अरे द्विजन्मा ब्राह्मण कब कहा जाता है? ब्राह्मण का दूसरा जन्म कब होता है? जब यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ धारण करता है। तीन ज्ञान के सूत्र बुद्धि में धारण कर लेता है। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन? पहला जन्म हुआ उस ब्राह्मण का द्वापर युग की शूटिंग में। तो पिछले जन्म का देहभान टूटता है या रह जाता है, है? और ही ज्यादा टूट जाता है गर्भ से बाहर आने के बाद। फिर बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो भी जब तक बोलना नहीं सीखता, भाषा नहीं सीखता, तब तक उसे अपूर्ण कहें या परिपूर्ण बुद्धि कहें, अपूर्ण ही है। कलयुग की शूटिंग भी पूरी होती है। चार वर्ष 16 वर्ष लगते हैं सतयुग की शूटिंग में, 12 वर्ष लगते हैं त्रेता युग की शूटिंग में, 87-88 तक 8 वर्ष लगते हैं द्वापर युग की शूटिंग में, और उससे भी आधे 4 वर्ष लगते हैं कलयुग की शूटिंग में। उसके बाद थोड़ी सी अकल आती है, कहाँ कार्य करना है। तो वैष्णो देवी के पाठ का आरंभ होता है, जो अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया कि जो सर्विस करना है ब्राह्मणों को, वो सर्विस अफ्रीका ने शुरू की है। तो भी ये नहीं कहेंगे कि पूरा देहभान टूट गया। क्या बुद्धि में ये बैठ जाता है कि गीता का साकार भगवान कौन, फिर भी नहीं बुद्धि से टूटता ये बात। इसलिए बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो सन 76 में पूरे तमो प्रधान कौन है? कौन? ब्रह्मा की सोल, लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित हो जाता है। तब से देवान टूटते टूटते 40 साल और ऐड कर दो, कितने वर्ष हुए? 2016-17 वहां जाकर के देवभान टूटता है। तो चौथी बार कैंचुल पूरी त्यागने में आ जाती। इसलिए सर्प का मिसाल दिया कि सर्प 3-4 बार जन्म लेता है, कैंचुल त्यागने वाला पुरानी खल छोड़ता है, नई खल धारण करता है। ये आत्मा का देह अभिमान रूपी खल छोड़ने की बात है या स्थूल शरीर छोड़ने की बात है? ये देह अभिमान रूपी खल छोड़ने की बात है। उसके बाद स्थूल शरीर का परिवर्तन शुरू हो सकता है। पहले आत्मा का परिष्करण होगा या शरीर का परिष्करण होगा? पहले आत्मा का परिष्करण होगा। अरे पूरी राजधानी स्थापन करनी है या अष्ट देवों का ही परिवार इकट्ठा होगा राजधानी में? अरे राजधानी में परिवार की एक इकाई से शुरुआत होगी या पूरी राजधानी 9 लाख की एक साथ इकट्ठी हो जाएगी? और उसमें भी पहले राजाओं का परिवार इकट्ठा होगा या पहले प्रजावर्ग इकट्ठा हो जाएगा? तो राजाओं के लिए बोला जो 108 राजाएं बनते हैं उन बच्चों के लिए बोला, और उनके साथ साथ 16,108 भी जो परिवार के नंबरवार भांति बनते हैं उनके लिए बोला कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो काम पूरा होने पर शिव बाबा का काम क्या खलास हो जाता है। फिर स्थापना का काम रह जाता है कि विनाश का? है, फिर तो सिर्फ विनाश का काम रह जाता है। तो 2028 हाँ जी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्म पिताएं द्वापर के आदि में जिन आधार मूर्तियों में प्रवेश करते हैं, उनको जन्म देने वाले बीज रूप आत्माएं क्या 12 सूर्यवंशियों में से होंगे या 12 सूर्यवंशियों में से 3 नष्ट देव होंगे, अथवा अष्टदेवों में से 3 पूर्वज होंगे? आया समझ में? है कुछ समझ में नहीं आया? ये पूछा है जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है, उन्होंने धर्मों के धर्म पिताएं कोई आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं ना, उन आधार मूर्तों को जन्म देने वाले बीजरूप आत्माएं होती हैं या आधार मूर्त होती है? जो जन्म देने वाले हैं धर्म पिताओं को, वो बीज रूप होते हैं या आधार मूर्त होते हैं? है धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं जिनमें प्रवेश करते हैं, वो आधार मूर्त हुए, वो सतयुग के नारायण होते हैं। नंबरवार, और उन नारायणों को भी जन्म देने वाले कोई द्वापर में होंगे या नहीं होंगे? वो उनके बीज रूप बाप हुए। उन बीजों को भी जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? है होंगे। तो उन बीजों को जो जन्म देने वाले हैं, वो पूछा कि सूर्यवंशियों की जो 12 की लिस्ट है, उन 12 में से नष्ट देव होंगे या अष्ट देव के जो 3 पहले रतन हैं वो होंगे? पहले नंबर के 3 होंगे। हैं अष्ट देव जो हैं वो 12 में से पहले 8 हैं, और उसके बाद वाले जो 4 हैं वो नष्ट देव हैं। तो पूछा गया कि धर्म पिताओं के जो बाबा होंगे, उनके शरीर को जन्म देने वाले बाप के जो बाप होंगे, वो नष्ट देव में से होंगे या अष्ट देव में से होंगे? है कोई अष्टदेव में से बोल रहा है, कोई नष्टदेव में से बोल रहा है। अगर अष्टदेव में से पहले 3 होंगे, तो जनरेशन राक्षसों की चलेगी, विदेशियों की चलेगी, विधर्मियों की चलेगी या स्वधर्मियों की चलेगी? विधर्मियों की चलेगी। नष्ट देव ही उनके बाबा होने चाहिए। और जो अष्टदेव हैं वो तो सब धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्वज का मतलब क्या होता है? हैं पूर्व, सबसे पहले जन्म लेने वाले, देने वाले। वो कौन से युग में होते हैं? है? अरे सबसे पहले जन्म देने वाले कौन से युग में हुए होंगे? संगम युग। और इसलिए कहा जाता है बाप, बाप का बाप बाबा, बाबा का बाप पर बाबा, पर बाबा का बाप तर दादा, दादे तर दादे, पुत्र उसका बच्चा पौत्र। फिर कहा जाता है परपोत्रा, फिर उसका भी बच्चा तरपोत्रा। इससे ज्यादा नहीं बोला जाता। जब द्वापर युग शुरुआत हुआ तो इतना जनरेशन देखते थे, इतनी लंबी आयु होती थी। उसके बाद से फिर अभी तो बाप ही बच्चे को नहीं देख पाता, पेट में ही मर जाता है। और बाबा जो झूठी झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल बहलाने का प्रयत्न करते हैं, वो आत्मा कौन सी शूटिंग करते हैं? है? किसी की दिल बहलाना। अगर दिल खराब हो गई हो तो कोई की दिल अच्छी करना, दिल बहलाए देना अच्छी बात है या खराब बात है? है? कोई की दिल खराब हो गई, दुख आ गया, कोई दूसरा आया उसने उसकी दिल बहलाना शुरू कर दिया, बात सच्ची नहीं सुनाई, झूठी बात ही सुना दी, लेकिन दिल तो बहला दिया, खुश तो किया। तो खुशी का दान देना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात हो गई, ये खराब बात नहीं है। झूठ वो होता है जिससे दूसरे को दुख हो जाए और अपने को दुख हो जाए। हाँ, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल खराब कर देना वो खराब बात है। दूतियां ऐसे ऐसे काम करती हैं, झूठी बातें सुनाकर दूसरों की दिल ही खराब कर देती हैं। जैसे तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं? है? एडवांस ज्ञान का सच्चा तंत्र भी लेते हैं, चोर बाजारी करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को सुनाएंगे तो ग्लानि की बात सुनाएंगे या ज्ञान की बातें सुनाते हैं? ग्लानि की बातें सुनाई देते हैं। और ग्लानि की बातें सुना करके अपने को ऊंचा साबित कर देते हैं। जिनको सुनाते हैं उनकी दिल बहल जाती है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। इस तरह का दिल बहलाना, ऐसे दिल बहलाने वाले कलयुग में प्राप्ति करेंगे, झूठे युग में प्राप्ति करेंगे या सच्चे युग में प्राप्ति ज्यादा करेंगे? झूठे युग में प्राप्ति करेंगे। ये शूटिंग हो जाती है। और जो झूठी बातें सुनते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन आत्माओं की क्या शूटिंग होती है। झूठी बातें सुनने वालों में भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है, पता न होने के कारण झूठी बात को ही सच्चा समझ लेते हैं। उनको भोला कहेंगे या चाणा कहेंगे? हैं? शिव बाप के भोले बच्चे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सुनने वाले कि जानते हैं सच्चाई क्या है, एडवांस में भी घुसे रहते हैं, बुद्धि से फैसला नहीं कर पाते सच्चाई क्या है। फैसला न कर पाने के कारण दूसरी पार्टी में भी जाकर के उलट पुलट बोलते हैं और उनको उससे ज्यादा उलट पुलट जवाब उनसे मिलते हैं। फिर उनकी उल्टी बातें सुनकर के हाँ में हाँ मिलाते हैं। सत्य बचन महाराज, ठीक कहा आपने, ठीक है दया निधान, सत्य है दया निधान। झूठ बोलने का उमंग उत्साह बढ़ाए देते हैं। तो ऐसे जो सुनने वाले हैं वो भोले बाप के भोले बच्चे हैं या दुष्ट बुद्धि है? दुष्ट बुद्धि है। उनकी दुष्टता का फल उनको अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? खराब ही मिलेगा। सच्चा बाप आया हुआ है, सत्ययुग स्थापन करने आया हुआ है, झूठ खंड खलास करने के लिए आया हुआ है। सच्चे बाप को सच्चे बच्चे प्रिय हैं या झूठ बात फैलाने वाले बच्चे प्रिय हैं? सच्चे बच्चे प्रिय हैं। तो जो बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वो बाप से जन्म जन्मांतर सुख का वर्षा लेते हैं, और जो तिकड़मबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट व्यवहार करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए दुख अर्जन कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर दुखी होते रहेंगे।